हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज का इंग्लिश का वीडियो थर्ड है इससे पहले हम दो वीडियोस और भी ला चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उन वीडियोस को भी देखें बिकॉज़ काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो में उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करूँ तो किस तरीके से हमें पढ़ना होता है सो दैट एग्ज़ाम में हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाए ठीक है उसके बाद हमने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको लगाना चाहिए देन सेकेंड वीडियो में हमने आपको स्पॉटिंग ऑफ एरर्स के बारे में इन्फॉमेशन दी थी कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों को वेल सॉल्विंग स्पॉटिंग ऑफ एरर्स तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आज जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड है स्पॉटिंग ऑफ एरर्स का जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल ही है ठीक है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैडम आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए तो जैसा कि आप लोग चाहते थे वैसा हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है अब हमने सोचा है कि हम लोग वीक में थ्री डेज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इंग्लिश के बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा स्पॉटिंग ऑफ एरर है तो आज हम सेकेंड लेक्चर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ठीक है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का

साथ साथ में जवाब देते जाओ ठीक है एट द एंड ऑफ द सेशन मैं बिल्कुल चेक कि कितने स्टूडेंट्स ने मुझे कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं, ठीक है तो आप अपना पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए जितने क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे कोशिश करना उनको सही से अटैम्प्ट करने की ठीक है और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी Question, आप लोगों के सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है इंस्ट्रक्शंस को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पता है कि स्पॉटिंग ऑफ एर हमेशा सेगमेंट्स में रहता है चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है आपको उसमें से देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है उस पर टिक कर देना है। मान लीजिए आपको पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे तो फिर आप नो एरर वाले ऑप्शन पे मार्क करेंगे ठीक है जी तो आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर गिवन है ठीक है एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अगर मैं एग्जाम की डेट बताऊं तो ये 11 अप्रैल 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है जी तो एक बार आप इसका सही आंसर बताइए मुझे वन टू थ्री फोर आप लोगों के पास चार ऑप्शन है ठीक है सोच समझ के जवाब दीजिएगा कॉमेंट में मुझे ठीक है आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल बहुत इजी क्वेश्चन है लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि स्पॉटिंग ऑफ एरर्स में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स हमें देखना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है मैक्सिमम जो एरर्स पूछे जाते हैं ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामर का ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहली स्टेप आप लोगों को करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने वर्ब सही यूज़ की है कि नहीं अब आप लोग क्या चेक करेंगे आप चेक करेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए बट ऑब्वियस ये बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी सिंगुलर होगी तो उस चीज को चेक करना है सेकेंड हमें देखना है क्या हमारा जो टेंस है वो पूरा सेम टेंस में चल रहा है ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस चल रहा था फिर बाद में पास्ट टेंस यूज होने लग गया है फ्यूचर टेंस होने लग गया है ना ये चीज़ हमको चेक करनी तो वन बाय वन हम चीज़ों को चेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी आज के वीडियो में ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है नो वन वर प्रेजेंट वैन आई एंटर्ड द हॉल यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मैं हॉल में पहुंचा तब वहां कोई भी नहीं था अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट एरर मार्क कर लिया होगा यहाँ पे ठीक है करेक्ट एरर जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने हमला देता है इनडेफिनेट प्रोनाउन yeah. कौन कौन से होते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सके सामने वाला पर्सन कौन है सम बडी नो बडी एनी वन वन ये सारे आपके क्या होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं हमेशा याद रखना एग्जाम ग्रामर का रूल है कि जब भी आप इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते तो उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं सिंगलर वर्ब यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे वही करना है no आपका क्या था? था, और नो no वन के साथ आपको वर्ब यूज करनी थी कौन सी सिंगलर वर्ब यूज करनी थी तो उन्होंने यहाँ पे वर लिखा हुआ था आपको क्या करना था वर को काट के यहाँ पे क्या कर देना था वॉस कर देना था क्या कर देना था स्टूडेंट वॉस कर देना था ठीक है तो आपका जो एरर था वो पार्ट वन में था अगर यहाँ पर हम देखे दैट मीनस पार्ट टू में था आपको यहाँ पे वर्क को काट के क्या लगा देना था वॉज लगा देना था ठीक है हर क्वेश्चन में हमने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट भी रखा है तो आप साथ ही साथ इसे भी रीड करते जाना काफी कुछ चीजें आपको यहाँ से भी सीखने को मिलेगी ओके जी चल तो बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों के सामने है जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे इसका जवाब दीजिए Every curious child want to rip open a toy. इसमें कहा गया है कि हर जो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासू जो जिज्ञासु बच्चे रहते हैं ना सारे के सारे वो क्या करना चाहते हैं कि जैसे उनके पास कोई टॉय आए तो उसको क्या करना चाहते हैं ओपन करना चाहते हैं है ना सिंपल सी बात गिवन है है ना? सिंपल सी चीज गिवन है देखे आप लोग क्या एरर इसमें बता रहे हैं हमें ठीक है वन टू थ्री फोर ठीक है याद रखना एस एस सी एग्जाम में जो एरर्स आते हैं ना वो इसी तरीके से ही आते हैं एज इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट किया है प्रीवियस ईयर से है ना तो आप लोग ध्यान रखना आपको क्या करना है पहले पूरे सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लेना है सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है देखना है कौन से पार्ट में एरर हो सकता है जैसे त एवरी क्यूरियस चाइल्ड क्यूरियस चाइल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है कोई बात नहीं पार्ट वन बिल्कुल सही है अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग वॉन्ट टू रिप ओपन अ टॉय अब यहाँ पर हमको ऑब्लिक्स नहीं दिए हुए हैं दैट मीन्स हमको एरर कहाँ से मार्क करना है इन में से इन पर्टिकुलर पार्ट्स में से चेक करना है हमने देखा एवरी बिल्कुल सही था कोई भी पार्ट में दिक्कत नहीं है क्यूरियस चाइल्ड कोई भी दिक्कत नहीं है अब वॉन्ट टू रिप ओपन अ टॉय अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या एरर हो सकता है यहाँ पे जो एरर है ना डी स्टूडेंट्स वो पार्ट टू में एरर है किस में एरर है डी स्टूडेंट्स पार्ट टू में अभी थोड़ी देर पहले ही आपको हमने बताया था कि जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है एवरी ईच है ना ये एवरी ईच भी क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन है इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब यूज करते है. तो आपको यहाँ पे क्या यूज करनी थी सिंगुलर वर्ब यूज करनी थी तो सिंगुलर वर्ब आपकी क्या हो जाएगी वॉन्ट्स हो जाएगी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स वॉन्ट्स हो जाएगी ठीक है तो आपको यहाँ पे वॉन्ट को काट के क्या कर देना था वॉन्ट्स कर देना था फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाता ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाता ठीक है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट्स टू

माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा ठीक है अब हम इसका आंसर देख लेते हैं देखो यहाँ पर आप लोगों को फोर पार्ट्स गिवन है ठीक है दैट मीन्स नो एरर तो है नहीं कहीं ना कहीं तो एर है आपको एरर निकालना है वन बाय वन हम चेक करते जाते हैं वन बाय वन हमने चेक किया यहाँ पर माई हाउस यहाँ पर तो कोई भी एरन नहीं है बिल्कुल करेक्ट है लिखा हुआ है ठीक है माई हाउस में कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन हो गया तो आपकी वर्ब भी क्या है सिंगुलर है मोर स्पेशियस क्या है भैया आपसे ज्यादा बड़ा है जो घर है ना वो मेरी सिस्टर से ज्यादा बड़ा है स्पेशियस ठीक है कोई बात नहीं है स्पेशियस क्या है आपका एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में किससे बड़ा है माय सिस्टर अब आप खुद ही बताओ मुझे स्टूडेंट्स क्या आप कभी भी किसी के घर का कंपैरिजन किसी इंसान के साथ कर सकते हो क्या हु? मुझे बताओ याद रखना एडजेक्टिव का रूल होता है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो सेम चीज का कंपैरिजन होता है ठीक है अगर आप मेरी आइस का कंपैरिजन करो तो दूसरे पर्सन की आइस से ही करोगे उसके फिट से नहीं करोगे है ना उसके जूतों से नहीं कंपेयर करोगे ठीक है तो याद रखना जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम इक्वल चीजों के बीच में होता है ऐसा नहीं होगा कि किसी के घर का कंपैरिजन किसी के इंसान के साथ कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आपका जो एरर था वो लास्ट पार्ट में ही था ठीक है जी आपको यहाँ पे क्या मार्क करना था लास्ट पार्ट में एरर मार्क करना था अब आप इसको करेक्ट कैसे करोगे अब आप इसको करेक्ट करोगे सिंपली अपोस्ट ऑफी करके क्या करके डायरेक्टली अपोस्ट ऑफी माई सिस्टर नहीं हमें चाहिए था सिस्टर्स के हाउस से किससे चाहिए था सिस्टर्स के हाउस से अब एक छोटा सा रूल आप लोगों को नाउन का पता होना चाहिए कि कभी भी हम नाउन को क्या करते हैं रिपीट नहीं करते सेंटेंस में ठीक है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट अलाउड इन ग्रामर ठीक है उसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं प्रनाउन यूज कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया माई सिस्टर्स कर दिया माई सिस्टर्स का मतलब क्या हुआ सिस्टर का घर ठीक है जी यहाँ पे हाउस ऑलरेडी गिवन है इसलिए हम यहाँ पे वापस ऑलरेडी वापस हाउस नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली क्या कर देंगे सिस्टर्स ठीक है जी आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी तो आपका जो यहाँ पे एरर था वो कहाँ पे था माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स ठीक है वैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है इसे भी आप लोग रीड कर सकते हैं ठीक है जी चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोगों की स्क्रीन पर है ठीक है जी ये सी सी एच एस एल का क्वेश्चन है ठीक है सी एच एस एल एग्जाम जो आप लोगों की कंडक्ट हुई थी मई में दो हजार बाईस उसका क्वेश्चन है ये द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट वन ईयर ठीक है आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है अगर आपको लग रहा है कि पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो आप क्या मार्क कर सकते हो नो एरर भी मार्क कर सकते हो ठीक है जी तो बताइए जरा, क्या एरर है पर नहीं है? जरा। देखो। अब हमको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ठीक है हमने इधर ध्यान से पढ़ा द फिशरीज सेक्टर फिशरीज में लिखा था ई एस ये तो हो गया प्लूरल अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहेंगे कि मैडम ये फिशरीज लिखा हुआ है दैट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो आप आगे वर्ब भी प्लूरल लगाओ नहीं गलत गलत बात ऐसी बात हमको नहीं करनी है याद रखना हमारे जो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट होता है ना हमको उसको आइडेंटिफाई करना है हमारा यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो फिशरीज नहीं है हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है द फिशरीज सेक्टर ठीक है एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जा रही है दैट मीन्स एक यूनिट है एक यूनिट दैट मीन्स वो क्या है सिंगुलर है अगर सिंगुलर है तो आगे आपको वर्ब भी क्या यूज करनी चाहिए सिंगुलर अब हमने इधर आगे पढ़ा तो इन्होंने क्या लिख दिया भैया हैव लिख दिया अब सभी को पता है कि हम हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं बट इन्होंने तो सिंगुलर के लिए यूज कर लिया दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो एरर था ना वो इसी पार्ट में था आपको यहाँ पर हैव ग्रोन नहीं करना था आपको यहाँ पे क्या करना था भैया हैज ग्रोन करना था और आप सभी को पता है हैज के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पे गिवन है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट वन ईयर ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है इसमें भी कोई भी एरर नहीं है ठीक है तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बहुत इजी क्वेश्चन था ठीक है काफी सारे स्टूडेंट्स हवा बनाते कि मैडम स्पॉटिंग ऑफ एरर हमसे होता नहीं है ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे हैं ना तो आप इस वाले सेक्शन को बहुत इजीली कर सकते हो चार क्वेश्चन आते प्री एग्जाम में और चारों के चारों सही हो उसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं ठीक है एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए हम इंग्लिश का एक बैच लेकर आ रहे हैं क्रेजी जी के ट्रिक पे ठीक है उसके लिए आपको क्या करना रहेगा रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहेगी रूट एप्लीकेशन क्रेजी जी के ट्रिक के द्वारा है ठीक है इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे ठीक है एक एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि अगर एक सेंटेंस है तो सेंटेंस किन चीज़ों को मिलकर बना जाता है नाउन अगर दिया गया है अगर नाउन है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है सेंटेंस में मतलब जो भी बेसिक चीज एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए अगर वो इंग्लिश की एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है तो वो सारी चीजें हम आपको अपनी इस क्लास में बताएंगे और ये जो क्लास है आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट ऑफ मार्च से ठीक है तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा ओके जी चलिए तो बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोगों की स्क्रीन पे गिवन है यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर बताइए क्या एरर होगा यहाँ पर देखो जब भी हम यूज करते हैं ना शुड हैव शुड है जब हमको बताना हो अपना रिग्रेट पछतावे की बात हो कि दैट मीन्स हम कोई काम करना चाह रहे थे बट ड्यू टू एनी रीजन हम नहीं कर पाए ठीक है तब हम क्या यूज करते हैं शुड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हैव के बाद हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हमने देखा यहाँ पे यू शुड में कोई भी दिक्कत नहीं थी ठीक है यू शुड वाला पार्ट बिल्कुल सही है हमने आगे देखा हैव रिस्पोंड अब इन्होंने तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी दैट मीन्स एरर तो यहीं पर ही है तो आप लोग क्या करेंगे पार्ट थ्री में एरर मार्क कर देंगे ठीक है आपका जो एरर है पार्ट थ्री में है आपको रिस्पोंड की जगह क्या कर देना था यहाँ पे रिस्पोंड डेट कर देना था क्या कर देना था रिस्पॉन्डेड ठीक है तो आपका करेक्ट हो जाता अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है क्या गिवन है आई गॉट रियली वेट वॉकिंग होम लास्ट नाइट आई शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला इसका मतलब ये हुआ कि कल रात को जब मैं आ रहा था तब मैं गीला हो गया मुझे अम्ब्रेला उठा लेना चाहिए था That means अब मुझे क्या हो रहा है पछतावा हो रहा है कि यार मैंने अम्ब्रेला नहीं उठाया मैं गीला हो गया हूँ है ना तो याद रखना शुड है इसका मतलब होता है 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 जब भी आपको ये अपना कोई अपना पछतावा या किसी के सामने बता रहे हो ठीक है जी इजी था सी में पूछा गया है, बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स पहले खुद से मार्क करो फिर उसके बाद हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे ठीक है जी इधर लिखा हुआ है वर नॉट क्या इसका होगा करेक्ट आंसर ठीक है one one हम क्या करते हैं? अपने पार्ट को चेक कर लेते हैं लिखा है the crew. The crew, crew मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है आपका कलेक्टिव नाउन क्या है डी स्टूडेंट्स? ये है आपका कलेक्टिव नाउन ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना आर्मी ऑफ सोल्जर्स है ना ग्रुप ऑफ क्लास ठीक है ये सब क्या होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं तो वही यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है द ऑफ ऑफ सेलर्स सेलर्स जो है है वर नॉट का मतलब होता हिंदी में परेशान होना वो परेशान नहीं हुई काय से परेशान नहीं बाय द स्ट्रॉन्ग गे मतलब जो हवा बहुत ज्यादा आ रही थी ना उससे वो लोग परेशान नहीं हुए तूफान से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए वो लोग ठीक है अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या एरर है ठीक है देखो आपने देखा द क्रियू ऑफ सेलर्स हमेशा हम ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है आपका प्लूरल नाउन होता है ये छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आगे क्या दिक्कत हो सकती है हमने देखा यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई थी वर्ब अब छोटा सा केस होता है आप लोगों का नाउन का जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हो तो उसे आप सिंगुलर का सब्जेक्ट है, सब्जेक है वो, तो उसके साथ हम वो भी क्या यूज करेंगे, करेंगे। यहाँ पे जो एरर था ना वो आपका ये वाले पार्ट में था कौन से पार्ट में था थर्ड वाले पार्ट में था आपको यहाँ पर क्या कर देना था वर्ग को काट के क्या लगा देना था वॉज लगा देना था क्या लगा देना था वॉज ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्रू ऑफ सेलर्स की बात की जा रही कि जो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे नहीं डरे है ना वो सारे के सारे परेशान नहीं हुए ठीक है जी तो यहाँ पर आपको वन नहीं क्या यूज करना था आपको यहाँ पे वॉज यूज करना था ठीक है तो यहाँ पे कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है उसे भी आप एक बार रीड कर लीजिए ठीक है इसे भी आप एक बार रीड कर लीजिए दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ दैट मेक इंडिविजुअल की तरह वर्क करने लगे तो फिर हम उसे क्या कंसीडर करते हैं प्लूरल करते और जनरली इनके लिए थ्री वर्ड्स यूज करता है एग्जामिनर एक होता है डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट जब भी आपको ये थ्री वर्ड्स दिखेंगे तो आप

ठीक ठीक है, है है, है है, है है में में पूछा गया क्वेश्चन वन वन बाय हम देखते हैं क्या एरर हो सकता है इसमें, लिखा जो है ना भैया, वो वो बहुत अच्छा गाना गाता है जब वो अच्छे मूड होता है सभी लोग अच्छे मूड में अच्छा गाना ही गाते हैं है, है कि नहीं अब मुझे बताओ यहाँ पे एरर क्या होगा एरर क्या होगा भैया कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जा रहे हो ठीक है मैं देखूंगी आउट ऑफ फिफ्टीन आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो ठीक है इस वाली पीपीटी में हम लोग फिफ्टीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ठीक है राहुल आपका कैसा सब्जेक्ट है सिंगलर सब्जेक्ट है सिंगलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगलर होनी चाहिए सिंग्स आपकी सिंगलर है कोई दिक्कत नहीं है वेरी स्वीट अब वेरी क्या होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में वेरी होता है आप लोगों का एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव कभी कभी हम वेरी को एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं किसकी तरह यूज करते हैं एडवप की तरह अब वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब सेंटेंस को देखकर ठीक है हम देखते हैं यहाँ पर किसकी तरह यूज हुआ है देखो राहुल जो है ना भैया वो क्या करता है गाना गाता है कैसे गाता है वेरी स्वीट अब आप मुझे खुद ही बताओ एडवर्ब का मतलब क्या होता है एडवर्ब का मतलब होता है जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करे यहाँ पर उसके गाने को हम क्वालिफाई करें उसने गाया कैसा गाया बहुत स्वीट गाया है ना बहुत स्वीट गाया अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है वेरी स्वीट वेन ही इज इन अ गुड मूड दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है ये पार्ट भी सही है ये पार्ट भी सही है एरर जो है ना वो इस वाले पार्ट में है क्या एरर है अगर मैं पूछूँ राहुल सिंग्स हाउ राहुल सिंग्स हाउ तो जो चीज़ हमें हाउ का जवाब देती है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होती है एडवर्ब होती है क्या होती है एडवर्ब होती है और आप सभी को पता होगा कि स्वीट आपका एडजेक्टिव है एडवर्ब नहीं है अब आपको क्या बनाना है इसे एडवर्ब बनाना है तो आप लोग कैसे बनाओगे तो याद रखना जब भी हम लोग एडजेक्टिव में क्या जोड़ देते हैं एलवाई जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है एडव बन जाता है ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना था स्वीट यूज नहीं करना था आपको क्या यूज करना था स्वीटली

जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लैप्ड देमसेल्व्स स्लिप्ली बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये ठीक है जी वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं कहां एरर है हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे डे आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है आर्टिकल यूज किया है oh. एक अच्छे दिन के बाद द चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो है भैया वो सो गए कैसे सो गए पीसफुली सो गए ठीक है जी अब बताइए मुझे क्या एरर होगा चार ऑप्शन आप लोगों के सामने गिवन है बट ऑब्वियसली आफ्टर इसमें तो कोई एरर है नहीं द चिल्ड्रन इसमें भी क्या ही एरर हो सकता है द चिल्ड्रन डेफिनेट पर्सन के लिए बात गिवन है यह वाला पार्ट भी सही है अ लॉन्ग एंड फिल्ड डे स्लैप्ड themselves पीसफुली इन दोनों में से कुछ दिक्कत हो सकती है मैंने बोला ए में यहाँ पे अगिवन है आर्टिकल किसके लिए दे के लिए दैट मीन्स ये वाले पार्ट में भी कोई एरर नहीं दिक्कत जो है ना भैया वो कहाँ पर है इसी वाले पार्ट में अब क्या एरर है वो हम देख लेते हैं एरर है आप लोगों का डैमसल्स यूज करने में क्यों भैया अब आप मुझे खुद ही बताओ बच्चे जो है वो खुद ही सोएंगे क्या उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना जरूरी है क्या यहाँ पे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना था याद रखना जब हम प्रोनाउन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन सी वर्ब्स के साथ प्रन...

ठीक है आपको यहाँ से डर्म को काट देना था बाकी पूरा आपका क्या है करेक्ट है ठीक है याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं कौन कौन सी वर्ब्स के साथ एक्विट अब एक्विट का मतलब कुछ बच्चे समझेंगे मैडम एक्विट का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना है बट यहाँ पे एक्विट का मतलब होता है जब आप कोई काम बहुत अच्छा करें लोग आपकी प्रशंसा करें तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक्विट रिकनसाइल का मतलब क्या होता है रिकनसाइल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बेमन से एक्सेप्ट करें आपका उस कर उस काम को करने की इच्छा है नहीं है बट ड्यू टू जबरदस्ती जबरदस्ती की वजह से आप एक्सेप्ट कर पा रहे कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं रिकनसाइल एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना ठीक है रिजाइन पोस्ट से रिजाइन कर देना तो याद रखना इन सारी वर्ब्स के साथ हम क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव रनाउन यूज करते हैं एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए गिवन है एक बार इसे भी रीड कर लो ठीक है तो इस क्वेश्चन में आपका एरर था पार्ट टू में ठीक है आपको डैम सेल्स हटा देना था ठीक है जी बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी चार सेक्शंस किए गए हैं अब आप लोग बताइए कौन से पार्ट में एरर हो सकता है वन टू थ्री फोर ठीक है जी आई होप आप लोगों ने कमेंट में सही आंसर लगा दिया होगा ठीक है देख लेते इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन कहता है कि भैया याद रखना जब भी आप लोगों का सेंटेंस स्टार्ट हो किससे देयर से किससे स्टार्ट हो स्टूडेंट्स देयर से तो हम आगे वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम आगे वर्ब यूज करेंगे जो भी सब्जेक्ट यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा होता आपका कैसा सब्जेक्ट है मैनी वेज आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट है बहुत सारे तरीके है वेलकम फील करवाने का कम्युनिटी में ठीक है तो मैनी ये आपका कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी क्या यूज करनी थी प्लूरल यूज करनी थी बट उन्होंने तो यहाँ पे इज यूज कर लिया दैट आपका जो एरर था वो पार्ट टू में था आपको इज नहीं पर क्या यूज यूज करना करना था था आर ठीक है बाकी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है देयर आर मैनी वेस टू मेक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पे वो भी गिवन है बिल्कुल करेक्ट है टू मेक अ स्ट्रेंजर फील अ स्ट्रेंजर फील कोई दिक्कत नहीं इस पार्ट में भी वेलकम इन द कम्युनिटी यहाँ पर भी कोई भी एरर नहीं है जो एरर था वो कहाँ पे था पार्ट टू में था आपको इसको काट के क्या लगाना था आर लगाना था ठीक है छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है इसे भी आप लोग रीड कर लेना ठीक है जी बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेंथ पे बहुत इजी क्वेश्चन है आई एम एक्सपेक्टिंग सारे के सारे बच्चे मुझे इसका करेक्ट आंसर देंगे कॉमेंट में बहुत इजी क्वेश्चन है सी एच एस एल एग्जाम का मैं पूछा गया क्वेश्चन है इधर लिखा है

ठीक है भैया देख लेते हैं इट हैज बीन रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है हैज हैव के साथ हैज हैव के साथ हम यूज करते हैं बीन और उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद या तो हम लगाते फॉर या तो फिर लगाते सिंस थी। ठीक है तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ठीक है अब देखो यहाँ तक तो बात करेक्ट दी गई थी दो घंटों से वर्षा हो रही है अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी पास हो कि जब भी आप लोगों के पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन होता है ना तो हम कभी भी सिंस नहीं यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते फॉर क्या यूज करते भैया फॉर तो जो आपका एरर था ना यहाँ पे वो थर्ड पार्ट में था आपको सिंस नहीं यहाँ पर क्या यूज करना था फॉर याद रखना जब भी आप लोगों के पास पीरियड ऑफ टाइम गिवन हो कि कोई काम आप कितने सालों से कर रहे हो कितने महीनों से कर रहे हो कितने दिनों से कर रहे हो तो उसके लिए हम हमेशा प्रेपोजिशन फॉर यूज करते सिंस का यूज हम नहीं करते सेंस हम कब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन हो स्पेसिफिक टाइम बोले तो क्या स्पेसिफिक नहीं बोले पॉइंट ऑफ टाइम सिंस हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास क्या गिवन हो पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो

बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है आप लोग आंसर मार्क कीजिए इसका हम बता देते हैं इधर लिखा है Saturday, हर Saturday है एवरी सैटरडे सैटरडे हर जो वो क्या करते हैं भैया वर्कर्स लोगों को क्या मिलते हैं उनके वीकली वेजेस मिलते हैं भैया हफ्ता भर काम करो और सैटरडे को आके अपना वेजेस लेकर जाओ अब देख लेते हम किस पार्ट में एरर हो सकता है एवरी सैटरडे इसमें तो कोई एरर नहीं बिल्कुल है बिल्कुल करेक्ट है द वर्कर्स गेट वर्कर्स को क्या मिलता है भैया उनके वीकली वेजेस अब वर्कर्स आपका क्या है प्लूरल है. तो प्लूरल के लिए इन्होंने किया क्या ये ये वाला भी भी सही है, ये भी सही है, है. तो क्या यहाँ पे है? कि वाले पार्ट में कुछ दिक्कत है हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था वर्कर्स दैट मींस ये क्या है आपका प्लूरल है अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो आगे आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए थी

जल्दी से जवाब दीजिए मुझे इसका सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है जवाब दीजिए जल्दी से इसका जल्दी से जवाब दीजिए भैया कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग बढ़िया क्वेश्चन है देख लेते वही चीज हमने आपको क्या बताया था सबसे पहले आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है हमने इधर देखा सब्जेक्ट जो था हमारा वो था द कॉन्ट्रास्ट क्या था भैया द कॉन्ट्रास्ट अब कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मतभेद किसके बीच में मतभेद ब्रिटेन और दूसरे कंट्रीज के बीच में किसके बीच में ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज के बीच में, में यूरोप की वो क्या कर रही है स्ट्राइक कर रही है मतलब जो दोनों कंट्रीज है ना आपस में क्या कर रही है भैया लड़ रही है स्ट्राइक कर रही है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है मत है वो आपस में मिल नहीं रहे ठीक है तो हमने देखा द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ये वाले पार्ट में कोई भी आर नहीं था बिटवीन यूज होता है हमेशा जब भी हम दो पर्सन की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर पर्सन कह लो या थिंग्स कह लो तो यहाँ पे ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज गिवन था यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ऑफ यूरोप यूरोप की कंट्री कोई दिक्कत नहीं है हाँ ना यूरोप की कंट्रीज की बात की जा रही है अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है आर अब आप मुझे खुद ही बताओ द कॉन्ट्रास्ट ये आपका मेन सब्जेक्ट है कि कंट्रीज ऑफ यूरोप मेन सब्जेक्ट है आप कहोगे मैडम ये आपका सब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट आपका कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रही थी कौन सी एस ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन था आई होप आप सभी ने करेक्ट मार्क किया होगा बढ़ जाते हम क्वेश्चन नंबर थर्टीनथ पे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टींथ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ठीक है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सी की बात कर लूँ सीएचएसएल की बात कर लूँ सीपीओ की बात कर लूँ जीडी की बात कर लूँ ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा है ना तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट कहूंगी मैं ठीक है देखो क्या लिखा है भाई इधर लिखा है द ताजमहल आप सभी को पता है जब भी कोई मॉन्यूमेंट की बात होती है तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे तो कोई आर नहीं है द ताजमहल सिंगलर है तो हमने यहाँ पे यूज किया इस ठीक है भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड अब एक स्ट्रक्चर याद रखना है आपको भी क्या याद रखना है वन ऑफ वन ऑफ आप सभी को हमने बताया ऑफ के बाद जो भी हम नाउन यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है आपका प्लूरल होता है तो यहाँ पर हमने देखा मोस्ट ब्यूटिफुल नाउन कहाँ पर है ये रहा आपका नाउन क्रिएशन इसको क्या होना चाहिए था प्लूरल होना चाहिए था बट इन्होंने तो सिंगुलर में यूज़ करा है दैट मीन्स जो आपका एरर था वो कहाँ पे था पार्ट टू में आपको यहाँ पे वन ऑफ के बाद नाउन लगाना था प्लूरल ठीक है याद रखना नाउन को आप बनाओगे प्लूरल भले इस नाउन के पहले एडजेक्टिव गिवन हो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आगे एडवर्ब गिवन हो उससे हमको फर्क नहीं होता है हमारा जो नाउन है ना वो प्लूरल होना चाहिए हमें उससे फ़र्क पड़ता है ठीक है तो आपको यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर मार्क करना था पार्ट टू में ठीक है आपको यहाँ पे क्रिएशन नहीं आपको क्या करना था क्रिएशंस यूज़ करना था ठीक है जी तो यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल भी आप उस एग्जाम्पल को भी रीड कर सकते हो ठीक है एक एग्जाम्पल गिवन है ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो यूज किया गया प्लूरल और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो इधर लिखा है हु क्या लिखा है भैया हु अब याद रखना हु क्या होता है भैया हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन अब ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद इन्होंने लिखा है फाइट अब याद रखना जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना उसके आगे जो भी वर्ब होती है वो कौन सी होती है उसके आगे जो भी सब्जेक्ट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग होती है यहाँ पर आपका अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आप प्लूरल यूज़ करोगे अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ब भी यहाँ पे क्या यूज़ करोगे सिंगुलर तो यहाँ पे हु के पहले था सोल्जर्स दैट मीन्स ये क्या है प्लूरल है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है फाइट यूज़ किया है ठीक है तो याद रखना दो कंसेप्ट बनते पहला कंसेप्ट जो हमने आपको यहाँ पे बताया और दूसरा कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का कभी भी हु विच और दैट आ जाता है वन ऑफ द के बाद तो आप आगे वाले सब्जेक्ट को देखते हो अगर ये प्लूरल है तो आगे आप वह भी प्लूरल लगाते हो ठीक है तो याद रखना बढ़िया क्वेश्चन था बढ़ जाते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे ठीक है माय फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ठीक है देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा इसका देखो आप सभी को पता है कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज करते हैं तो हम इस एम आर के बाद वर्ब में क्या लगाते भाई आई एन जी लगाते हैं ठीक है इन्होंने तो गॉन यूज कर लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म गो के साथ गॉन यूज कर लिया जो कि हो गया गलत हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी थी ठीक है देखो गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट क्या होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन ठीक है बट हमें यहाँ पे चाहिए था आई तो गो का आई फॉर्म क्या हो जाता है गोइंग हो जाता है क्या हो जाता है गोइंग ठीक है तो आपका जो एरर था पार्ट थ्री में था आपको गोन को काट के क्या करना था गोइंग करना था ठीक है जी बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से आपको ठीक है आई डिड नॉट बाय नाइदर ऑफ द ट्रू ड्रेसेस मैंने दोनों में से कोई भी ड्रेसेस नहीं खरीदी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है सेंटेंस चल रहा है पास्ट में क्योंकि डिड है ठीक है आप सभी को पता होना चाहिए कि डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं फर्स्ट तो इन्होंने बाय लिखा है दैट मीन्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आई डिड नॉट ये भी करेक्ट है बाय भी करेक्ट है नीदर ऑफ द ऑफ द के बाद प्लूरल टू ड्रेसेस यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है एरर कहाँ पर है फिर एरर तो है देखो नो एरर का ऑप्शन नहीं है हमारे पास एरर तो है एरर तो है देखो एरर जो है ना भाई याद रखना ये कहाँ चलेगा इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आई डिड नॉट बाय नाइदर ऑफ द ट्रू ड्रेसेस नहीं होगा याद रखना जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप उसके साथ नाइदर यूज नहीं करते क्योंकि नाइदर खुद ही नेगेटिव है नेगेटिव के साथ आप नॉट यूज करोगे क्या डबल नेगेटिव हो जाएगा डबल नेगेटिव सेंटेंस को क्या बनाता है सुपर फ्लॉस बना देता है ना तो इसलिए हम यहाँ पे नाइदर नहीं यूज करेंगे उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे ईदर क्या यूज़ करेंगे भैया ईदर तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस है ना वो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का आई डिड नॉट बाय ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस मतलब मैंने दोनों में से कोई भी ड्रेसेस नहीं खरीदी ठीक है याद रखना इट इज़ रॉन्ग टू कम्बाइंड नीदर विद अ नेगेटिव वर्ब हम कभी भी नो नावर नॉट इनके साथ नीदर का यूज़ नहीं करते ठीक है हम क्या यूज़ करते हैं ईदर यूज़ करते हैं ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है मैरी डिड नॉट पास द एग्जाम जॉन डिड नॉट ईदर दैट मीन्स मैरी भी फेल हो गई जॉन भी फेल हो गया दोनों ही निकम में बच्चे ठीक <laughs> है जी तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आप लोगों का सेशन वाइंड अप करने का टाइम आ गया है कमेंट में मुझे सभी लोग बताना कि आउट ऑफ फिफ्टीन आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे ठीक है जी मैं वेट करूंगी आप लोगों के आंसर्स का ठीक है और आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ठीक है जी तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब इट ठीक है और हमारा जो कोर्स है भैया वो स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ऑफ मार्च से ठीक है तो तैयार रहो सभी लोग बहुत बढ़िया आप लोगों का ग्रामर हम लोग कवर करवाने वाले हैं इंग्लिश ठीक है इंग्लिश का जो टेंशन है फियर है ना वो सब हो जाएगा दूर ठीक है बहुत डिटेल में आप लोगों की क्लासेस रहेगी ठीक है तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं थैंक यू सो मच डे स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू ऑल